नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम वैशाली सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके चैनल ऑल इन दी टिप्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम YouTube से पैसे कमा सकते हैं। ओ हम सीधा ही आ गए, इतनी ज़्यादा रटी लाइनें मैं नहीं बोलता हूँ और मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगा मज़े के साथ कि किस तरह से आप YouTube से पैसे कमा सकते हैं। लेकिन थोड़ी पहले बात की जाए हमारे कैमरा की। कैमरा क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेकार है, बड़ी ही ज़्यादा बेकार है, क्योंकि मेरे पास कैमरा नहीं है। 5000 का सिर्फ ये डिजिटल कैमरा है जो काफ़ी घटिया है, बढ़िया नहीं है। मैं कंपनी का नेम नहीं लेना वाला हूँ क्योंकि कंपनी मुझे पता है कौन सी है। एंड में आपका ओन आता है कंपनी में, ON वर्ड, जो कंपनी ने स्मार्टफोन से भी घटिया कैमरा डाला है इस कैमरा में, डिजिटल कैमरा में। इससे अच्छा तो स्मार्टफोन मुझे ले लेना चाहिए था। तो चलो कैमरा की बात छोड़ते हैं, आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आनी चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से YouTube से पैसे कमा सकते हैं। तो काफ़ी लोग YouTube पे सर्च करते हैं कि हम किस तरह से ऑनलाइन पैसे कमाएं। सभी पैसा कौन नहीं कमाना चाहता आज की ज़िंदगी में। पैसा है तो सब कुछ है आपके हाथ में। पैसा है तो आप बिल्कुल एक VIP हैं और बिना पैसे के आपको कोई नहीं पूछता है। तो बात की जाती है तो यूट्यूब से आप किस तरह से पैसे कमा सकते हैं। तो लोग, मैं आपको बता दूं कि लोग आज लाखों रुपए यूट्यूब से कमा रहे हैं। तो मुझे ये तो खुद पता है कि क्योंकि मैं भी कमाता हूँ यूट्यूब से, लेकिन मैं कमाता हूँ लेकिन हिसाब का कमाता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि लोग काफ़ी ज़्यादा आज पैसा कमा रहे हैं। इंडिया में तो पागल हो चुके हैं लोग यूट्यूब में मुफ्त का पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि एक वीडियो डालते हैं और 2-4 दिनों में ही उससे इतना पैसा कमा लेते हैं, 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपए। आप मान नहीं सकते। जैसे आपने देखा होगा, जैसे YouTube पे कई वीडियोस होते हैं क्रिकेट फनी मूवमेंट्स, तो आपने देखा होगा कितने कितने व्यूज़ होते हैं। उन्हें बस व्यूज़ से मतलब होता है, व्यूज़ और एडवर्टाइजमेंट से। व्यूज़ आपने देखा होगा कि जब आप किसी की भी वीडियो प्ले करते हैं तो आपके सामने एक एडवर्टाइजमेंट आती है फ्रंट में। तो जब आप उस एडवर्टाइजमेंट पे कई जो व्यूअर्स होते हैं वो क्लिक करते हैं, तो उससे जो वीडियो डालने वाले होते हैं उनको पैसे मिलते हैं इसी तरीके से। तो ये बात हो गई एडवर्टाइजमेंट की। तो और दूसरी बात आ जाती है एफिलिएटेड मार्केटिंग से। ये काफ़ी ज़्यादा आपने देखा होगा गैजेट्स टू यूज़ काफ़ी अच्छा चैनल है, वो काफ़ी ज़्यादा इन सभी चीज़ों से पैसा कमाते हैं एफिलिएटेड मार्केटिंग से। लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि वो पैसा कमाते हैं, वो मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं। वो आपके सामने एक अच्छा कॉन्टेंट लेकर आते हैं जो आपको उन पर विश्वास है, और मुझे भी बिल्कुल विश्वास है उन सभी पर। तो बात की जाए तो आप YouTube से कैसे पैसे कमा सकते हैं, एक तो एडवर्टाइजमेंट से, एक एफिलिएटेड मार्केटिंग से। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट की। तो पहले हम एडवर्टाइजमेंट का ले लेते हैं स्टेप। तो एडवर्टाइजमेंट से आप किस तरह से पैसे कमा सकते हैं, तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। आपने गूगल एडसेंस के बारे में सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि गूगल एडसेंस क्या होता है। गूगल एडसेंस एक एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम है जो आपको पैसे देता है एडवर्टाइजमेंट के। आपने देखा ही होगा कि आप कई बार जब यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं तो आपके सामने एक एड्स वगैरह आती हैं। आप देखते हैं कि स्किप टू 5 सेकंड, कोई भी एड्स वगैरह आती हैं। तो जब वो व्यूअर्स उस एड पे क्लिक करता है, जो वीडियो अपलोड की होती है जिसने, उसको उस एड के पैसे मिलते हैं। वो पैसे आपको यूट्यूब देती है और आप उसे गूगल एडसेंस के अकाउंट के ज़रिए रिसीव करते हैं। तो ये होगी आपकी गूगल एडसेंस की बात। तो आप गूगल एडसेंस का आपको पहले अकाउंट बनाना पड़ता है। तो आप गूगल एडसेंस का अकाउंट कैसे बना सकते हैं, तो मैं आपको ये अगली वीडियो में बताऊंगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि गूगल एडसेंस से आपको कैसे पैसे मिलेंगे। तो पहले आपको करना क्या कि आपको google.com में जाना है। आपको सिंपल सर्च करना है गूगल एडसेंस, आपको वहाँ पर अपना एक अकाउंट तैयार कर लेना है। अकाउंट तैयार करने के बाद आपको उस गूगल एडसेंस के अकाउंट को अपने यूट्यूब के अकाउंट के साथ जोड़ लेना है। तो कैसे जोड़ते हैं यूट्यूब के अकाउंट के साथ, ये भी वीडियो मैं अगले बार बनाऊंगा, अगली वीडियो में, कि आप किस तरह से जो है गूगल एडसेंस को यूट्यूब के प्रोग्राम से जोड़ लेंगे। जैसे आप गूगल एडसेंस को यूट्यूब के साथ जोड़ते हैं तो आपको एक मोनेटाइजेशन का ऑप्शन मिलता है यूट्यूब में, जो काफ़ी बढ़िया है, एडवर्टाइजिंग का है। आपको सिर्फ उसको इनेबल करना होता है जब आप गूगल एडसेंस को जोड़ लेते हैं। जब आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाती है तो आपकी वीडियोस के आगे एडवर्टाइजमेंट आना शुरू हो जाती है। जब कोई भी व्यूअर्स आपकी वीडियो देखता है, जब आपकी वीडियो के आगे एडवर्टाइजमेंट आती है, अगर वो उस पर क्लिक करता है तो आपको उसके पैसे मिलते हैं। तो यूट्यूब आपको 45% आपको पैसे देता है, आपको 45% शायद को नहीं 45% को कमीशन रख लेता है अपने पास, और 55% आपको हिस्सा दे देता है। अगर जैसे हम मान लेते हैं 4 रुपए हैं तो आपको 2.5 रुपए मिल जाएंगे,
ढाई रुपये मिल गए और वो 1.5 रुपये अपने पास रख लेगा, तो यूट्यूब 1.5 रुपये अपने पास रख लेगी, ये हिसाब होता है। 55% आपको मिल जाता है और 45% यूट्यूब रख लेती है। तो ये तो बात हो गई उनकी शेयरिंग की। तो एडवर्टाइजमेंट का क्या हिसाब होता है, कितना रेट आपको मिलता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। एडवर्टाइजमेंट का अलग अलग रेट होता है ट्रैफिक के हिसाब से। अगर यूएसए से ट्रैफिक आती है तो आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं उसके एडवर्टाइजमेंट से। अगर यूएसए से व्यू कोई देखता है, यूएसए से अगर आपकी कोई वीडियो देखता है, अगर वहाँ पे उसकी ऐड आती है तो आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलते हैं। अगर इंडिया से कोई देख रहा है तो आपको थोड़े कम मिलेंगे। ये हिसाब होता है, अलग अलग रहता है एडवर्टाइजर, ये एडवर्टाइज़र पर डिपेंड करता है कि वो आपको कितने पैसे देता है। तो इस तरह से आप गूगल एडसेंस के ज़रिए जो है, आपको जैसे आप अपने यूट्यूब का अकाउंट अगर अपने गूगल एडसेंस के साथ जोड़ लिया, आपको रोज़ उसकी आप गूगल एडसेंस की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ आप उसका अकाउंट खोलकर आप रोज़ चेक कर सकते हैं अपनी अर्निंग को कि आपको कितने पैसे मिल रहे हैं एडवर्टाइज़र से, एडवर्टाइजमेंट से, और आपको किस तरह से वो एडवर्टाइज गूगल एडसेंस से आप किस तरह से पेड होते हैं बाद में, आपको कैसे पैसे रिसीव करने। तो पहले तो होता था चेक सिस्टम, अब तो वायर ट्रांसफ़र आ गया है। आप अपना जस्ट आपका अगर आपका बैंक में अकाउंट है तो आप सिंपल बैंक का अकाउंट है वो जोड़ लीजिए अपने गूगल एडसेंस के में। आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप अपना जो है गूगल एडसेंस पे एक ऑप्शन होता है कि आप अपने बैंक का अकाउंट है वो जोड़ सकते हैं अपने गूगल एडसेंस के अकाउंट से। जब आपकी अर्निंग आपको कैसे रिसीव होगी मैं आपको बता देता हूँ। तो YouTube आपको पैसे देती है जब महीने में 15 तारीख को आपको पेड कर देती है। YouTube में आपका रेवेन्यू बनता जाता है एडवर्टाइजमेंट का, और वो 15 तारीख को गूगल एडसेंस के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है, और 21 और 24 के बीच 24 तारीख के बीच में आपको जो आपकी अर्निंग प्रोवाइड कर दी जाती है, अगर आपकी अर्निंग $100 से ऊपर होनी चाहिए। तो ये बात होगी आपकी यूट्यूब से की एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम की, कि आप एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम से इस तरह पैसे कमा सकते हैं। ये काफ़ी बढ़िया तरीका है, आपको इसमें सिर्फ व्यूज़ की ज़रूरत होती है। काफ़ी लोग फ्रॉड करते हैं इस तरह, काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाते हैं, जैसे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस फ्रॉड अपलोड की जाती हैं, फेक वीडियोस अपलोड की जाती हैं, कि जैसे क्रिकेट फनी मूवमेंट्स वगैरह, ये चार दिन में ही 4-4 मिलियन व्यूज़ ले जाती हैं, जो काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाती हैं ये वीडियोस, जब सिर्फ इनको व्यूज़ से पैसे मिल जाते हैं एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम से। तो हम दूसरी बात करने जा रहे हैं हम एफिलिएटेड मार्केटिंग की, तो चलिए शुरू करते हैं। एफिलिएटेड मार्केटिंग क्या है तो मैं आपको बताने वाला हूँ। आज आपने देखा होगा शर्मा जी टेक्निकल गैजेट्स टू यूज़ एंड काफ़ी अलग अलग चैनल जैसे टेक्निकल गुरु जी, आपने देखा होगा कि वो अनबॉक्सिंग करते हैं, रिव्यूज़ करते हैं प्रोडक्ट के, गिगी रंजीत जैसे काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो प्रोडक्ट रिव्यूज़ करते हैं, और आपने देखा होगा कि वो लिंक उन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाले होते हैं कि आप लिंक टू बाय, आप यहीं से बाय करिए जिससे हमारे चैनल को सपोर्ट होगी। तो आप कभी समझे हैं उस चीज़ के बारे में कि वो क्यों अपने लिंक डालते हैं नीचे? कईयों को तो ज़रूर पता होगा, कई तो स्मार्ट हैं मेरे सब्सक्राइबर्स, अगर जिन्हें नहीं पता है, सभी को नहीं चीज़ें ये पता होती हैं कि हम किस तरह से ये लोग क्यों लिंक डालते हैं और क्यों कहते हैं कि यहीं से आप प्रोडक्ट को बाय करो। तो ये बात हो जाती है एफिलिएटेड मार्केटिंग की, यहाँ पर बात आती है आपको फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या अमेज़ोन वगैरह, ये एफिलिएटेड मार्केटिंग आपको प्रोवाइड करती हैं। आपको इसमें एक अमेज़ोन वगैरह में, अमेज़ोन साइट वगैरह में आप किसी भी साइट का यूज़ कर सकते हैं एफिलिएटेड मार्केटिंग में, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन। मैं फ़िलहाल किसी भी एफिलिएटेड मार्केटिंग का यूज़ नहीं करता हूँ, मेरे सिंपल एक ट्यूटोरियल होते हैं, मैं कोई गैजेट रिव्यू वगैरह नहीं करता हूँ। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से कमा सकते हैं एफिलिएटेड मार्केटिंग से। अगर आपके पास अगर आप एक शॉपकीपर हैं जहाँ आपकी एक मोबाइल की दुकान है, तो आप अपने चैनल बना कर आप नए से नए प्रोडक्ट को रिव्यू कर सकते हैं और आप वहीं से भी पैसा कमा सकते हैं। तो पैसे की बात की जाए तो किस तरह से आप वहां से पैसे कमा सकते हैं, जैसे आपने अमेज़ोन में आपको एक अकाउंट बनाया जाता है, आपका एफिलिएटेड मार्केटिंग का अलग अकाउंट बनाया जाता है, आपको एक कोड जनरेट करना पड़ता है, आपको अलग अलग जैसे प्रोडक्ट का, जिस प्रोडक्ट का आप रिव्यू कर रहे हैं, अगर आप किसी मोबाइल का रिव्यू कर रहे हैं, उसी मोबाइल का आपको एक आपको कोड जनरेट करना पड़ता है, और आपको उस कोड को कॉपी करके आपकी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है। अगर वहीं से कोई व्यूज़ अगर वो आपका प्रोडक्ट ख़रीदता है, आपकी वीडियो देखकर आपका प्रोडक्ट ख़रीदता है वहीं उसी लिंक से, तो आपको 2-3% आपको कमीशन जो है वो मिल जाती है। अगर 2-3% भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, 100-200-150 रुपया, ये आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट का कितना ज़्यादा प्राइस है, जितना महंगा होगा आपको उतनी ही ज़्यादा कमीशन मिलेगी। तो ये बात होगी एफिलिएटेड मार्केटिंग की। एफिलिएटेड मार्केटिंग
तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टफ है, क्योंकि आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट लेकर आना पड़ते हैं, रिव्यू यूनिट्स आपको मिलनी चाहिए। अगर आपका अभी छोटा चैनल है तो आपको किसी दुकान के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि मैं आपका प्रोडक्ट लेता हूँ और मैंने सिर्फ रिव्यू करना है आपका प्रोडक्ट, और बस आप इसी तरह रिव्यू करते रहिए प्रोडक्ट अपने, और आप सीधे लिंक डालते रहिए डिस्क्रिप्शन में। अगर आपका कोई वहाँ से व्यूज अगर बाई करता है आपके लिंक से तो आपको स्किन एंड आपको कमीशन मिलेगी आपको अमेजोन से, वो आपको पेड भी करेंगे। मुझे पेड के बारे में नहीं पता है कि वो किस तरह से करते हैं, शायद वो पेपल या वायर ट्रांसफ़र के ज़रिए कर ही देते होंगे। तो ये बात होगी एफिलेटेड मार्केटिंग की, तो आप एफिलेटेड मार्केटिंग से भी काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। गैजेट्स टू यूज़ शर्मा जी टेक्निकल ने काफ़ी चैनल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आपको एक चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगी। अगर आपके छोटा चैनल है, आप अगर अभी तक आपका सब्सक्राइबर बेस कम है, तो आप एफिलेटेड मार्केटिंग पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। पहले आप अपना सब्सक्राइबर बेस बढ़ाइए, आप प्रोडक्ट मत खरीदिए रिव्यू के लिए, क्योंकि आपका ज़्यादा खर्चा होगा इन सभी चीज़ों में। आप सिंपल अगर आप करना भी चाहते हैं एफिलेटेड मार्केटिंग, तो आप कंप्यूटर के ज़रिए आप अपना पीसी खोल लीजिए और वहाँ से आप इंफॉर्मेशन देते रहिए कि ये मोबाइल अच्छा है आपके लिए, और आप अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो बनाते रहिए। धीरे धीरे आपका जो है वो सब्सक्राइबर बेस भी बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका सब्सक्राइबर का जो विश्वास है आप में और मेरे में बढ़ेगा, तो जो जो लोग हैं वो आपके यकीनन आपके ही लिंक से जो है प्रोडक्ट को बाय करेंगे और आपको कमीशन मिलेगी। तो आपको कम्युनिटी में प्यार बनाना पड़ता है इन सभी चीज़ों में, एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह में। तो एफिलिएट मार्केटिंग काफ़ी बढ़िया चीज़ है, अगर आप इसे बड़े लेवल में ले जाएँ तो आप काफ़ी ज़्यादा लाखों रुपये कमा सकते हैं, और आपको काफ़ी अगर जैसे अगर आपका सब्सक्राइबर बेस ज़्यादा बढ़ जाता है, 100K तक चला जाता है, अगर आपके 1 लाख 2 लाख जिनके सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो वो किसी कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट अस करके उनकी स्पॉन्सरशिप भी ले सकते हैं, जहाँ वो फ्री रिव्यू यूनिट्स भी ले सकते हैं। फ्री रिव्यू यूनिट्स का फ़ायदा यह है कि आपको रिव्यू यूनिट्स आएंगी, आपका उस वेबसाइट के साथ जहाँ उस कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट हो जाएगा कि आप सिर्फ उनके प्रोडक्ट को रिव्यू करने वाले हो, और इसी तरह आप उनके प्रोडक्ट फ्री में रिव्यू कर सकते हैं, और आपके जो भी उस रिव्यू यूनिट वाली वेबसाइट से आपका जो भी एग्रीमेंट हुआ है, तो आप उन्हें ईमानदारी से कंप्लीट करिए। अगर आपके एग्रीमेंट हुआ है कि आपका उनको प्रोडक्ट वापस करना है, तो आप उन्हें सिंपली वापस करिए ईमानदारी से, कोई भी ऐसे फालतू में चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप ईमानदारी बरतेंगे तो आपका काम ज़रूर चलेगा, आपका भगवान भी साथ देगा। तो ईमानदारी तो बिल्कुल ज़रूरी है आपकी एफिलिएटेड मार्केटिंग में बात की जाए तो। तो मैंने तो अभी तक एफिलिएटेड मार्केटिंग शुरू नहीं किया, सोच रहा हूँ मैं अभी तक एफिलिएटेड मार्केटिंग शुरू करने का, कि मुझे भी कोई फ्री मैं भी अगर अच्छे सब्सक्राइबर हो जाते हैं मेरे, तो मैं शायद फ्री में रिव्यू यूनिट्स लेना शुरू कर दूँ, तो आपके सामने भी मैं अनबॉक्सिंग लेकर आऊँगा अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट की। तो आप भी एफिलिएटेड मार्केटिंग के ज़रिए पैसे कमा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। अगर आपका चैनल छोटा है तो आप बिल्कुल नहीं ट्राई करिए, आप प्रैक्टिस के ज़रिए कर सकते हैं। वैसे प्रैक्टिस करनी है तो आप जैसे कभी भी कभार अपने प्रोडक्ट लेते हैं, कभी भी जैसे आप कई बार अपने लिए ही चीज़ लेते हैं, तो आप उसकी ही अनबॉक्सिंग करिए। आप फालतू में पैसे खर्च करके अनबॉक्सिंग अपने घर में ना करिए, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो आप हमेशा ज़ीरो बजट से ही अगर चीज़ शुरू की जाए तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। अगर आप बिना खर्च किए काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाते हैं तो आप में कलाकारी मानी जाती है। तो एफिलिएटेड मार्केटिंग के ज़रिए आप काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आपके पास एक अच्छा चैनल खड़ा होना चाहिए, अच्छा सब्सक्राइबर बेस होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बस मेरी तो यही इच्छा है कि आप इस वीडियो को सिर्फ लाइक कर दीजिए, मेरा यही एम है कि इस वीडियो को सिर्फ 200 लाइक होने चाहिए। तो बस मैं आपसे यही लाइक ही मांगता हूँ, कुछ और नहीं मांगता, आपसे पैसे नहीं मांगता हूँ किसी चीज़ के लिए, सिर्फ आप लाइक करिए। और मुझे यकीन है कि आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर आपको इसके वीडियो के रिलेटेड अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए, सीखते रहिए नई नई चीज़ें।